ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री व आदिवासी नेता अरविंद नेताम नई पार्टी गठन को लेकर बयान उन्होंने दिया है। बयान में नेताम ने कहा कि वे हमर राज पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाएंगे। उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ग्राम सभा को अधिकार था बिना अनुमति के सरकार आगे नहीं बढ़ी, उसको खत्म कर दिया। सर आपने अभी कोई नई पार्टी का नाम सोचा है क्या? अभी लोकसभा के समाज की तरफ से बात है? नहीं, इलेक्शन आयोग में है, हमर राज पार्टी के नाम से हम लोगों ने दिया है सुझाव और ये क्या होता है वो तो चेक करते हैं। चुनाव आयोग में कई बदल से मिल गए, प्रक्रिया में है, हमर राज हो जाएगी जल्दी। पार्टी का प्रमुख क्या नाम दे रहे हैं? हमर राज पार्टी। हमर राज सर बस चुनाव चुनाव आपने सोचा है? वो उसके बाद होता है, वो देंगे चुनाव आयोग देंगे, कई विकल्प देंगे उसके लिए। सर बसपा ने अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले ही नौ लोगों के नाम की घोषणा कर दी कि चुनाव लड़ेंगे हमारे, ऐसा कुछ आप लोग अभी करने वाले हैं? नहीं, परसों ये बात फीडबैक आया था तो हम उसको क्रॉस चेक करें क्योंकि बसपा से भी हमारी बातचीत चल रही है तो क्लैश ना हो कोई सीटों पर। और मेरा ख्याल है कोई ज़्यादा उसमें उनका उनका इंटरेस्ट है, हमारे इंटरेस्ट में ज़्यादा क्लैश होने की संभावना नहीं है। सर कितनी सीटों पे प्रत्याशी उतरेंगे आदिवासी समाज से? देखिए 30 तो 29-30 तो रिजर्व सीट है ही, उसमें तो लड़ेंगे लड़ेंगे और उसमें भले हमारे कुछ छोटे पार्टियों के साथ में जैसे CPI के सुकमा कोंडा सीट पर हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कई पूरी तय हो गया है और छोटे मोटे पार्टी है उसके साथ में रह सकते हैं, पर 30 तो ये है और 30 जो जनरल सीट है उसमें 20,000 से लेकर 80,000 तक के आदिवासी मतदाता है, वहाँ भी अजमाएंगे। और या तो हम अन्य समाज को भी ऑफर कर रहे हैं कि हमारी बैनर पे कोई भी समाज हो, अपर कास्ट भी हो सकता है, हम स्वागत करेंगे, हमारी वोट ट्रांसफर करेंगे, वो अपने समाज के या जो भी उनकी अपनी ताकत है राजनीतिक सामाजिक वो दोनों मिलकर जो भी हो सकता। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।